या तो वसुंधरा भोड़ी आ भजनलाल वाली पर्ची तो पॉकेट में डाल दार आ पड़ी बार निकाल दार फेंको भलो आदमी समझता है यार वो के पर्ची में तो खोलना और के आ पड़ जेब में डाल दार दूजी निकाल दार। 3 महीने में ठा पड़ गयो है कि पर्ची की सरकार बनी और पर्ची की सरकार में हाथ पर हो गया। 1 ही ताली नहीं बाजी पर्ची खुली और राजस्थान में बीजेपी के एमएलए बैठे बाप ताली नहीं बजाई मुख्यमंत्री की पर्ची खुली। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आज नामांकन इस रैली में आपने बीच में उपस्थित कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेता राजस्थान का जननायक पूर्व मुख्यमंत्री और मारवाड़ का लाडला जन जन का नेता समन अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष समन गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, अट पदरुड़ा महेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी का जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी समन करण सिंह जी उचाड़ा साहब, दिव्या मदेड़ा जी, महेंद्र बिश्नोई जी, हीराराम मेघवाल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सब पदारुड़ा और सभी जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, कांग्रेस पार्टी का सभा सभी पदाधिकारीगण और सब पदारुड़ा कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेतागण सामने बिराजुड़ा। हाल तो 1 घंटो माने गहलोत साहब हाल 1 घंटो और लागी लोगों ने स्टेडियम में पहुंचने में रेलो लागुड़ा मथाड़िया लेर जोधपुर तई में 2 मिनट हुआ मैं खुद अबारी आयो रेलो लागुड़ा है रेलो वेदी स्टेडियम में लोग मावे लखो दी इन वास्ते आप सब में आप ही मौके पर आई कहनी चाहूँ के भाइयों आप सब ने कहनी चाहूँ कि अपन 3 महीना पहला राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सकिया राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सकिया भी खामिया जो थाने 3 महीना में महसूस हो गया होला महसूस होयोग नहीं होयो होयोग नहीं होयो। राजस्थान में कोई एड़ी सरकार बड़ी पूरे हिंदुस्तान में एड़ी जन कल्याण करी लोक कल्याण करी योजना लाई कोई सरकार बड़ी के पहला कदई 1952 के बाद में पहला कदई बड़ी के राजस्थान में एड़ो मुख्यमंत्री पहला कदई बड़े गए 19 जिला एक खाते घोषित करे 1952 के देश में आजाद में कोई उदाहरण है के इवास्ते भाइयों वास्ते बड़ी भूल हुई है राजस्थान की जनता में बड़ी भूल रही है। 3 महीने में ठा पड़ गयो है कि पर्ची की सरकार बनी और पर्ची की सरकार में हाथ पर हो गया। 1 ही ताली नहीं बाजी पर्ची खुली और राजस्थान में बीजेपी के एमएलए बैठ रहे बाप ताली नहीं बजाई मुख्यमंत्री की पर्ची खुली। मैं डोटासरा साहब एक बार विष्णु है कटी बैठने गयो लोकाचार में 1 76 साल को डोगरो वो कहे आ तो वसुंधरा भोड़ी आ भजनलाल वाली पर्ची तो पॉकेट में डाल दार आ पड़ी बार निकाल दार फेंको भलो आदमी समझता है यार वो के पर्ची में तो खोलना और के आ पड़ जेब में डाल दार दूजी निकाल दार। इन वास्ते पर्ची की सरकार इन वास्ते किसान भाइयों अशोक गहलोत जी जो जन कल्याण करी थारी सेवा करिए मारवाड़ में जो सेवा करिए इतिहास रचो एड़ो धरती पुत्र जोधपुर को लाड़ लो दर्द पैदा नहीं हो सके भाइयों पैदा नहीं हो सके युगो युगो पीढ़ी याद करा ली है कहलो अशोक गहलोत ने। एक आदमी राजनीति क्षेत्र में कितो काम कर सके वर्षों दुनिया याद करेला आमनी पीढ़ी याद करेला भूल होगी है इन वास्ते आप सब ने इतिहास रचो सड़कों को जाल बिछायो आज 3 महीने गया डेले को काम नहीं हो राजस्थान में डेले को किसानों के विजिलेंस आ रही है पुलिस आ रही है पुलिस आगे आर भागे ट्रांसफार्मर ले जा रही है 5 साल में कोई किसान को ट्रांसफर उठायो के उठायो तो हाथ खड़ो करो कड़ी उठायो के कोई विजिलेंस आई के बेटा बाप के काम करो है। मैं था ने पहला कहता कहते होरा गणाओ गेलो साहब के राज में होरा गणाओ हम थे देखियो आज तो 3 महीने होया है आ चुनाव के बाद में चूचे वोट ना जरू के आज हम हरू करीबे इन वास्ते भाइयों एक मौको आपने भड़ायो है एक मौका अपने भड़ायो लोकसभा को इन वास्ते अगर लोकसभा में अब करण सिंह उचाड़ा ने जीतार लोकसभा में भेजा ला तो अपनी पैरवी वेला अपने कांग्रेस जोधपुर जिले में मजबूत वेला किसानों की पैरवी वेला मजदूरों की पैरवी वेला इन वास्ते भाइयों आप सब ने मौके पर कहनी चाहूँ अशोक गहलोत जी 19 जिला बढ़ाया
एसडीओ कोर्ट हो, तसीला हो, पानी को जाड़ बिछायो, आप सब ने मालूम है आप 50% राशि राजस्थान सरकार की पील की टंकी बनाने में घर घर पानी में दे रही है। आप अशोक गहलोत जी 50% राशि नहीं दे रहा है, 1799 करोड़ रुपया पास कर थर्ड फेज को काम राजस्थान के फंड, राजस्थान के सरकार के फंड शुरू करायो, जो को काम मदा सरू ले जोधपुर से काम धनाधन चल रही है। थर्ड फेज में अगर पानी आई जब थारे घर घर प्रेशर पानी मिली नीना गजेंद्र सिंह जी खे टन टन गोपाल आई पानी लाई कटो भाई। थर्ड फेज तो अशोक गहलोत जी मंजूर करायो, राजीव गांधी लिफ्ट अशोक गहलोत जी लाया। इन वास्ते भाइयों मारवाड़ के लोगों, मारवाड़ यूनिवर्सिटी खोली, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली, इतिहास रचो विकास को। जोधपुर के लाल ने इतिहास रचो, बिगो आपने आज को भुगतान छाड़ वाली 26 तारीख ने पेटी भर दियो, और आप भूल ने अपना सुधार करनी है, कांग्रेस ने वापस मजबूत करनी है। आपने बीच में गहलोत साहब, डोटासर साहब, जुली साहब सब बात आपने बताई, आप सब ने ही मौके बाद आई कहनी चाहूँ, आप भारी संख्या में आया हो कि आज राजस्थान में सामान्य चुनाव नहीं है। आज 75 साल पहले आजादी वास्ते आप लड़ाई लड़ी, आज सामान्य चुनाव नहीं है 75 साल के बाद में, आज आप संविधान ने बचाने के वास्ते लड़ रहा, संविधान ने बोटांगो राज रही नहीं रही, इन वास्ते आपने लड़नो पड़ियो साथियों, लड़नो पड़ियो है। इन वास्ते आपने मौके मत ही कहनी चाहूँ, अशोक गहलोत जी आपने सब बुलाउन दे उन्हें पधारिया, डोटासरा साहब पधारा, जूली साहब पधारा, सब नेता पधारा, आपने बुलाउन दी 26 तारीख ने करण सिंह जी ने भारी बताऊँ जीता, और जोधपुर के मारवाड़ गुडम को बजा दियो। हम क्या गजेंद्र सिंह शेखावत बेटे बाप ने एक ढेले को काम नहीं किया जोधपुर 10 साल में, एम ए लोग तो राज उबार आया, राज उबार आया ने मन ठा पड़ो ने बेटे बाप ढेले को काम नहीं किया। पहले मैं 5 साल में सरकार में रहे मानी ठा नहीं पड़ो, अने तो पत्तो खलो पत्तो लगे को ढेले को काम नहीं किया। इन बगाड़ो है करण सिंह ने जिताणो है, कांग्रेस ने मजबूत करनी है, संविधान ने बचाणो है, वोटा को राज बचाणो है। धन्यवाद, जय हिंद।